गढ़वा पुलिस, जिसके बारे में हर बार मैं अपने बिंदास न्यूज के जरिए लिखा भी करता हूं और बोला भी करता हूं। सफलता का पर्याय बन चुकी है गढ़वा पुलिस। जिले के जो पुलिस कप्तान हैं दीपक कुमार पांडे, उनके नेतृत्व में जिला की जो पुलिस टीम है वो टीम वर्क के रूप में काम कर रही है। इसका आलम है कि लगातार सफलता हाथ आ रही है। वह मामला छोटा हो या बड़ा हो, हर मामले का त्वरित अनुसंधान हो रहा है और सफलता मिल रही है। इस बात से ताब बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि अपने राज्य का यह गढ़वा जिला पूरी तरह नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन आज नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो गया है। हाँ, अपराधी हैं जो कभी कभी सर उठाते हैं, लेकिन उन्हें भी शांत करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने को लेकर के। इस दिशा में सतत प्रयासरत है जिला की पुलिस टीम और अनवरत सफलता हासिल हो रही है। आज जो सफलता हासिल हुई है वह छोटी नहीं, बहुत बड़ी सफलता है। इस दृष्टिकोण से कि लगभग दो दशक बाद जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्त चौक माना जाने वाला, सबसे सुरक्षित माना जाने वाला गढ़देवी चौक, जहां मां गढ़देवी की मंदिर अवस्थित है, वह चौक सबसे सुरक्षित माना जाता है। जहां पर कालांतर में तो स्थिति थी, वहां पर ना तो कोई अपराधी गिरोह किसी घटना को अंजाम दे पाता था, ना कभी गोली चालने की ऐसी घटना होती थी। लेकिन उस चौक पर भी अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। यह घटना गुजरात 13 फरवरी के शाम की है, 8:30-9 बज रहा होगा, जब तीन युवक, पहले तो दो युवक उसी चौक पर एक ज्वेलरी शॉप अवस्थित है, रूप अलंकार ज्वेलर्स, उस दुकान में पहुंचते हैं गहना खरीदने के वास्ते। उन्हें कुछ गहना खरीदना था। वो कहते हैं कि दुकान के जो मालिक थे जय सोनी, उनसे वो कहते हैं कि मुझे अंगूठी चाहिए, किसी को उपहार में देना है। जय सोनी द्वारा अंगूठी उन्हें दिखाया जाता है जो उन्हें पसंद में आ जाता है, उसे खरीदने की हामी भर देते हैं। फिर युवक कहते हैं मुझे कान में पहनने वाला ज्वेलरी दिखाइए। उसे दिखाने के लिए जय सोनी अपने दुकान में अवस्थित सेफ को खोलते हैं, जिसमें अमूमन ज्वेलर्स द्वारा गहना रखा जाता है। सेफ जैसे ही खोलते हैं तो उसमें गहना रखा हुआ था, उस पर नजर पड़ती है दोनों युवकों की। तब तक सब कुछ सामान्य था। जय सोनी के साथ साथ दुकान में और लोग भी थे, उनके स्टाफ भी थे जो बिक्री में उनका सहयोग करते हैं, वो भी कुछ समझ नहीं पाए थे। जैसे सेफ खोल के और कान में पहनने वाला बाली हो या झुमका हो निकालते हैं उनको देने के लिए युवकों को, उसी वक्त एक युवक द्वारा अपने पास से रिवाल्वर निकाल करके और उनके जो रखा हुआ था वहां पर रखते हैं। तब तक दूसरा युवक भी रिवाल्वर निकाल लेता है और उनके द्वारा कहा जाता है, युवकों द्वारा, सारा गहना अब इस मेरे पास जो थैला है उसमें डाल दीजिए। तब इन्हें माजरा समझ में आता है कि युवक युवकों द्वारा खरीदने का तो बहाना था, यह तो मेरे दुकान को लूटने आए थे। और कुछ ही देर में, ज्यादा देर मुझे कहने भले देर लग रहा हो, लेकिन कुछ ही देर में युवकों द्वारा सारे सामान को, सारे गहने को थैले में भर लिया जाता है। दो लोग जो इस दुकान में बैठे हुए थे
बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि बाहर निकल के हम हो हल्ला करें, तुम कहा जाता है कि बाहर निकलेगा तो गोली मार देंगे, डर से बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। एक युवक बाहर भी था, वो भी कहता है कि बाहर अगर निकलोगे तो गोली मार देंगे, डर स्वाभाविक है, सबके हाथों में रिवॉल्वर था, हथियार था। तीनों युवक उस गहने के भरे थैले को लेकर के और बाइक से निकलते हैं, और निकलने के समय गोली उनके द्वारा चलाई जाती है, शीशे पर गोली लगती है, जो दुकान में शीशा लगाया रहता है बाहर उस पर गोली लगती है, और साथ ही जब वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं तब भी फायरिंग करते हैं ताकि कोई हमारे पीछे ना आ सके, और वो फरार हो जाते हैं। वो हल्ला मच जाता है उनके फरार होने के बाद। जैसा कि हमने आपको शुरुआत बताया कि गढ़देवी चौक जो व्यस्त चौक है वहां पर लूट की घटना को अंजाम दी गई थी। हल्ला मचता है, लोग अपने अपने दुकान को बंद करके वहां पहुंचते हैं, भीड़ लग जाती है, पुलिस को सूचना मिलती है, शहर थाना पुलिस पहुंचती है, साथ ही साथ खुद पुलिस कप्तान दीपक कुमार पांडे भी पहुंचते हैं, और दुकान के मालिक जय सोनी जो भी स्टाफ वहां थे उनसे पूछताछ शुरू होती है, पड़ताल पुलिस की शुरू हो जाती है। उस मौके पर गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचते हैं, पूर्व मंत्री गिरनाथ सिंह भी पहुंचते हैं। घटना घटी थी, बड़ी घटना थी, शहर के व्यास चौक पर घटना घटी थी, सब कोई पहुंचता है। दहशत भी होना आक्रोशित होना दोनों स्वाभाविक था, वो आक्रोशित भी होते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कहा जाता है, एसपी द्वारा खुद कहा जाता है कि बहुत जल्द हम लुटेरों को गिरफ्तार कर लेंगे और लूटे गए आभूषणों की भी बरामदगी हो जाएगी। पुलिस पड़ताल में जुट जाती है, और एसपी द्वारा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं नीरज कुमार, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाता है, और एसआईटी में जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जवान थे सभी के द्वारा तीव्रता से अनुसंधान शुरू की जाती है, पुलिसिया रफ्तार बढ़ती जाती है। और अब हम आपको बताएं कि इसी मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली, गुप्तचरों की मदद से, टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस द्वारा एक लुटेरे को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ शुरू होती है, वह स्वीकारता है कि हां मैं लूट में शामिल हूं, प्रदीप डोम इसकी गिरफ्तारी होती है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, इतनी बात तो हम बता दें, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। शहर थाना परिसर में आज एसपी दीपक पांडे द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आप देखिए कि एसपी के साथ साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रशिक्षु डीएसपी, इंस्पेक्टर, शहर थाना प्रभारी के साथ साथ सभी जवान और एसआईटी की टीम में जो पदाधिकारी और जवान शामिल थे सभी मौजूद हैं प्रेस वार्ता में। और उस चेहरा ढके हुए युवक को देखिए, चेहरा ढका हुआ है, टीआई परेड होता है, यह नियम में है। यही प्रदीप डोम है जो अपने दो सहयोगी बीकू सोनी और अजीत कुमार उप छोटू, यह तीन युवक हैं जिनके द्वारा लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रदीप डोम की गिरफ्तारी हो गई, दो अन्य युवक जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस सतत प्रयासरत है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही प्रदीप डोम है जिसके निशानदेही पर, जिसके बताए गए जगहों से, दो जगहों से गहनों की बरामदगी होती है, सारा गहना बरामद कर लिया गया, लगभग डेढ़ करोड़ के गहनों की लूट की गई थी, सारा गहना बरामद कर लिया गया। हम यहां पर यह कहना चाहेंगे, तस्वीर आप देखते रहिए, अब गहनों की तस्वीर भी देख रहे होंगे, जो गहनों की बरामदगी की गई है, इसी गहने की लूट हुई थी रूप अलंकार ज्वेलर से, कि घटना घटित पहले भी हुई है। कीटूपुरी ज्वेलर्स की लूटकांड घटना आपको याद होगा, बाबा कमलेश जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है रेडीमेड कपड़ों का, थोक व्यापारी हैं, उस दुकान में भी लूट हुई थी। ऐसे कई लूटकांड
यहाँ मैं केवल गढ़वा की तो उदाहरण दिया आपको, कई घटनाएं घटती हैं जहां पर लुटेरों की गिरफ्तारी हो जाती है, डकैतों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन बरामदगी बहुत कम हो पाता है। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस सराहना की पात्र है गढ़वा पुलिस, जिसके द्वारा जहां एक तरफ लुटेरों की गिरफ्तारी कर ली गई, वहीं जो लूटा हुआ आभूषण था, सारे जेवर थे, सबकी बरामदगी भी कर ली गई। आपको तस्वीरों में हथियार भी नजर आ रहा होगा, इसी हथियार को इस्तेमाल किया गया था उस लूटकांड की घटना को अंजाम देने के लिए। दो देसी कट्टा है, सीमेंट पॉइंट सिक्स का एक है पिस्टल, तो वो कुल चार पिस्टल उसकी बरामदगी हुई है, मोबाइल फोन है, जिंदा गोली है, तो इन सब की बरामदगी कर ली गई। जहां एक तरफ आभूषण को बरामद किया गया जिसको लूटा गया था, वहीं दूसरी ओर हथियार भी बरामद कर लिए गए जो प्रयुक्त किए गए थे उस लूटकांड की घटना को अंजाम देने के लिए। तो गढ़वा पुलिस की निश्चित रूप से बड़ी सफलता है लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ साथ लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पलामू के साथ साथ बगल के जो हमारा पड़ोसी जिला है उत्तर प्रदेश और बिहार छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर पुलिस दबिश कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, जहां जहां सूचना मिल रहा था, सूचना इनपुट मिल रहा था, उसके अनुसार पुलिस छापेमारी कर रही थी। और लेकिन गिरफ्तारी गढ़वा से ही हुई, नगवा मोहल्ले का रहने वाला है प्रदीप डोम, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। इस मौके पर एसपी द्वारा जो एसआईटी टीम में शामिल थे पुलिस पदाधिकारी और जवान, सबको सम्मानित भी किया गया प्रशस्ति पत्र देकर। निश्चित रूप से प्रशस्ति पत्र के लायक हैं, सम्मानित के हकदार हैं सम्मान पाने के, क्योंकि अंथक मेहनत करके एसआईटी टीम द्वारा इस मामले का त्वरित खुलासा कर लिया गया, अनुसंधान पूरा कर लिया गया और गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी से सबसे बड़ी बात है, सबसे उपलब्धि वाली बात है, तो जो लूटा गया सामान था, जो गहने थे, सबकी बरामदगी भी कर ली गई। अब आपको हम सुनाते हैं कि उस मौके पर, प्रेस वार्ता के मौके पर एसपी दीपक कुमार पांडे ने क्या कहा, इस घटना के साथ साथ कैसे घटना घटित हुई, मैंने तो बताया ही आपको, खुद आप एसपी की जुबानी सुन लीजिए कि कैसे लुटेरे की गिरफ्तारी हुई और कैसे गहनों की बरामदगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विगत 13 फरवरी को रूप अलंकार ज्वेलर्स में एक लूट की घटना हुई थी, और इस लूट की घटना में जो अपराध कर्मी थे वो खरीदार बन करके उस दुकान में गए थे। पहले दो अपराध कर्मी घुसा, उसके बाद पीछे से एक और आया, और तीनों ने हथियार के बल पे वहाँ पे जो भी सोना था उनका उसको लूट लिया। जैसा कि एफआईआर में दर्ज किया गया है, उसमें 3 किलो 800 ग्राम करीब सोना था और कुछ रोल्ड गोल्ड का आइटम था, तो वो सारे ये लोग लूट के ले गए, और भागते वक्त इनके द्वारा फायरिंग भी की गई हथियार से। इस घटना के संबंध में गढ़वा थाना कांड संख्या 85, गढ़वा थाना कांड संख्या 85/24 दर्ज किया गया है, और इसमें त्वरित अनुसंधान हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा इनके नेतृत्व में, और इस एसआईटी में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी प्रोबेशनर, थाना प्रभारी गढ़वा, इंस्पेक्टर ब्रिज जो नए ज्वाइन किए हैं, और 7-8 सब इंस्पेक्टर, हमारे टेक्निकल सेल के जवान, तो कुल मिलाकर के ये 28 लोगों का एक एसआईटी था जिनके द्वारा इस कांड में सफल उद्भेदन किया गया है। और इस कांड में जो भी लूटा गया सामान था उसमें से लगभग 3.5 किलो सोना और जो रोल्ड गोल्ड का आइटम था वो सब बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ एक अपराध कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है, प्रदीप डोम इसका नाम है, ये सोनपुरवा का रहने वाला है। और इस पूरे बरामदगी में दो पिस्टल बरामद किया गया है जो घटना के समय में यूज हुआ था, दो कट्टा है, कुछ जिंदा कारतूस हैं, एक मोबाइल फोन है। प्रदीप डोम के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रदीप डोम 2016 में एक घटना हुई थी रायपुर में, वहाँ एक दारू के दुकान में लूट हुई, इसी तरह की लूट थी। उस लूट की घटना में ये कन्विक्टेड है, और 2022 में माननीय उच्च न्यायालय से वो बेल पे, और इसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करके ये तीन लोग मिल करके
इस घटना को अंजाम दिए हैं। दो लोग अभी इसमें फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी पूरी SIT लगी हुई है और इस पूरे SIT ने इस 4 दिनों में काफ़ी मेहनत किया है और हमारा टेक्निकल टीम, पलामू का एक टेक्निकल टीम, इन सब ने मदद की है। तो इनको भी अभी हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम का एक सफल उद्भेदन हुआ है और हम लोग हमारी पूरी टीम लग करके इसमें जो भी कल्प्रिट है उनको हम जल्द से जल्द सजा कराने का स्पीडी ट्रायल में इस केस को हम लोग देंगे और जल्द से जल्द उसको सजा देंगे। बिल्कुल, इन लोगों के विरुद्ध में अलग अलग थाना में आधे दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज। हाँ, एक तरह से कह लिया जाए एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, छत्तीसगढ़ में भी कांड किया है और यहाँ भी। निश्चित रूप से हमने खबर बोलने के क्रम में भी कहा कि गढ़वा पुलिस जो टीम वर्क के रूप में काम कर रही है SP दीपक पांडे के नेतृत्व में, यह पुलिस सराहना की पात्र है। यह कार्य जो हुआ है, जो सफलता हासिल हुई है, निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए और साथ ही साथ व्यवसायियों की भी सराहना करनी चाहिए। गढ़वा के व्यवसायी हों, आम आदमी हो, खास हो या राजनीतिक गलियारे से जुड़े हुए लोग, कोई भी घटना घटित होती थी गढ़वा में तो आक्रोश होना स्वाभाविक होता था, लोग आक्रोशित होते थे, सड़क जाम होता था, विरोध होता था। लेकिन इस घटना में ना तो कोई उनके प्रशासन के प्रति कोई बड़ा आक्रोश देखा गया, ना तो सड़क जाम हुआ, ना तो घटना के उस वक्त या इस गुजरे वक्त में जब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। हाँ, लोग पुलिस कप्तान से मिलते थे, मांग करते थे कि जल्द गिरफ्तारी हो और SP दीपक कुमार पांडे घटना के रोज से लेकर आज से पहले तक एक ही बात कहते रहे कि पुलिस बहुत करीब है, बहुत जल्द जहां लुटेरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी वहीं बरामदगी भी आभूषण की, जो लूटा हुआ आभूषण उसकी बरामद कर ली जाएगी उसे। और उनके द्वारा कही गई बात सही हुई, लुटेरे की गिरफ्तारी हुई, मामले का खुलासा हुआ और सामान की बरामदगी हो गई। एक बार फिर से मैं भी गढ़वा पुलिस टीम की सराहना करना चाहूंगा। धन्यवाद।